फिर ये जो बात है कि ये एसईओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एसईओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। तो आपकी पैंट ऑलरेडी उतर चुकी है, क्योंकि जितने भी एसईओ वाले कंट्रीज है अभी इधर उधर देख रहे होंगे, बोले बहस किया कि यार ये क्या हुआ, जाएं क्या एसईओ के लिए कि नहीं जाएं। तो ये एक सवाल अभी धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। आपको बता दें इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि मारे जाने वाले लोगों में 2 नागरिक चीनी। कराची से अफसोसनाक खबर है, जहां एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब जोरदार धमाके में 3 गैर मुल्की समेत 4 अफराद जान से गए। आरजू आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी आर्मी यह कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई चाइनीज नहीं मरा, हमारा भी कोई बंदा नहीं मरा, या हमारा एका तो मरा होगा, बाकी 2 हमने बलोचों को ठोक दिया। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी कह रही है। चाइनीज जो है उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कराची एयरपोर्ट के पास भीषण ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। सड़कों पे जो नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार तबाही की। वो जिसे कहते हैं ना हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए। और मुझे खौफ जिस चीज का है कि जी देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल आप कंट्रोल नहीं कर सकी हुकूमत, मैं नहीं आ रहा, कितनी बेइज्जती की बात है। जो चाइनीज है ना वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं एक एक बंदे का, तो वो जो कर्जा देते हैं वो वापस इसी तरह जा रहा होता है। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा अब इसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब है, वो मैंने आपको उनकी बतानी थी कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो एक स्टेटमेंट है ना वो तो ऐसी है कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो सुन के मैंने कहा वाह भाई वाह। उन्होंने कहा मुखालफीन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, खुशहाली देखी नहीं जा रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ कि खुशहाली इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि ये देखी नहीं जा रही। अच्छा साथ उन्होंने कहा सियासी मुखालफिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनसे पाकिस्तान की खुशहाली देखी नहीं जा रही। अब जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी उनसे मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये अमनो अमान जो है इसकी सूरत हाल आप प्लीज इसको बेहतर करें, और ये जो है पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं और जो इकोनॉमी उसको अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, और जो हाँ एसईओ है वो होगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर। अब उन्होंने ये कहा अगर तो ये कह रहे हैं ना कोई कि इंडिया से खुशहाली नहीं देखी जा रही तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाई पहली सवाल तो ये कौन सी खुशहाली, मैं तो मतलब देख के बंदा जो है ना वो क्या करे अब। और अभी तो आप कर्जा लेकर आए, अभी तो आपने खुशहाली लानी है वो पैसा खर्च करके अगर आ गई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उसके आने में जरा मुश्किल लग रही है। वो तैयार श्यार होकर ही खुशहाली आएगी, उसको काफी टाइम लगना है जो मुझे नजर आ रहा है, उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगना है तैयार खुशहाली को। तो पहले ये देख लें, फिर ये जो बात है कि ये एसईओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एसईओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद जो है कोई होने लगी है कोई सर मतलब कोई हम करवा रहे हैं समिट कोई कॉन्फ्रेंस उसमें आप ये कुछ कर रहे हैं। बड़े जाहिर है कि परेशानी वाली बात है। वो कह रहे हैं की कर दे गए तुसी, ये क्या हो रहा है, एसईओ का क्या होगा। तो देखिए अब मैं आपको इस पे बात बताऊं, ये कहना है कि ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर हमला है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पे इस तरह के हमले जो है कोई करवाएगा और कहेगा इनकी दोस्ती। सबको पता है वो तो पैसे का मामला है, उसके इतने स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कहना कि ये पाकिस्तान के फॉरेनर्स पर हमला है, ये बात ठीक है, इसको मैं एंडोर्स करती हूँ, मैं समझती हूँ। ये कहना कि ये एसईओ पर हमला है, ये बात भी ठीक है कि जो एसईओ होने वाली है वो कैसे होगी। अब आप मुझे बता दें कोई आएगा एससीओ में, कोई आएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये तो आपके फॉरनर्स जो अभी जो मालम जब्बा में हुआ वहां पर जो आ रहे थे फॉरनर्स उस कॉन्वाय पर हुआ, कितने एनवाइज आपने 10-11 एनवाइज को लेकर चले गए। ये तो आपके मतलब सिस्टम देखें कैसा है कि वो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि दफ्तर खारिज कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने कहा पर्सनल किसी उस पर जा रहे हैं तो वो पता ही चला कि वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उनको लेकर गए थे बगैर बताए। मतलब ये इतनी आसानी से सब कुछ हो जाता है वहां पे। और एससीओ में अब जैसे डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ जाने की बात कर दी, बल्कि सबसे पहले तो हमने ही बात की, हमने क्या की अभिजीत मित्रा ने आके हमारे प्रोग्राम में बताया कि वो जा रहे हैं। अब जब पता ये चली गया उन्होंने कहा हाँ जी जा रहे हैं, एंडोर्स कर दिया उन्होंने ये बात, सेकेंड कर दिया अभिजीत मित्रा का, तो पता ये चला कि अब वहां पर हमले हो रहे हैं, अब फॉरनर्स पर ही हमले हो रहे हैं और फॉरनर्स ने ही आना है एससीओ में। तो ये तो हालात है, देखें
जो वो जो हो रहा है ना इमरान खान की पार्टी के साथ जो वो चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको रोकने के लिए तो होम मिनिस्टर और पूरे मुल्क की फौज आपने वहां पर लगाई हुई है, अब फॉरनर्स पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे ये बताएं। तो एक क्राइसिस नहीं है, मतलब ये तो एक पिंडोरा बॉक्स, ये मैं क्या कहूँ, ये तो उमरो अय्यार की जंबील है, वो जो बच्चों के लिए नॉवेल जाया करते हैं भाई, उमरो अय्यार वो जो है ना उसकी जंबील है ये, एक मुश्किल निकलती है उसके साथ ही लाइन लग जाती है, एलो जी एवी ले लो, एवी हो रहा है, एवी हो रहा है, तो एवी हो रहा है, कर लो हूं जो करना है, एससीओ करा के बखा दो हूं तुम, अब आप एससीओ करा ले। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, शी जिनपिंग तो मतलब कहां, वो तो मुझे लगता है कोई टेबल शेबल के नीचे घुस गए होंगे, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब वो क्या कहेंगे मुझे बताएं, शी जिनपिंग जाएंगे। चाइनीज जो है उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर, कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था, कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन चार लोग जो है जिनकी जाने चली गई जिनमें दो चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें, अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, BLA हो, मैं आपको पता है इस बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को, दे वॉन्ट, पहली बात तो यह है कि दे वॉन्ट टू इंटरनेशनलाइज द इशू, दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद कराओ यहाँ पे। अब चाइनीज टारगेट होंगे, अब थोड़े दिनों बाद SEO की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं क्यों क्यों ऐसे किया जाएगा, जब आपको इस चीज का पता है क्यों ऐसे किया जाएगा। BLA, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना रोज कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं, उनको कमजोर करें। अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है, जी जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी BLA यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो। US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, सुइसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहां जहां चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना, मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है।